अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मेरा ये कबूतर ना बीमार हो गया है। ये ना दाना जो खाया हुआ था ना, ये उसको फेंक रहा है, मतलब पोटे से नकार रहा है, उगल रहा है। तो दोस्तों इसका इलाज मैं आज आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। ये कबूतर है और मैं इसकी आप दवाई दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये सीरप है, ठीक है, ये आपको मेडिकल से आसानी से मिल जाएगा, इतना महंगा नहीं है, ठीक है। और इसको ना 2 ml ही बस देना है, ठीक है। अभी मैं देता हूँ इसको, ठीक है। ये देखें 2 ml मैंने इसको दिया है, तैयार किया हुआ, ठीक है। और मैं आपको भी तो आपके सामने मैं इसको शो कराता हूँ आपको, इसको दूंगा सिरप। क्या कबूतर बहुत ख़राब हो गया, मतलब इसके पर ख़राब हो गए हैं सारे के सारे पूंछ के, ठीक है। तो इसको भी दवाई देते हैं। अगर ये इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो 4 से 5 दिनों के बाद कबूतर एक्सपायर हो जाता है, इसलिए आपको इसका इलाज जल्दी कर देना चाहिए, वरना कबूतर मर भी सकता है, ठीक है। दोस्तों मैंने इसको सिरप दे दिया, ठीक है, कबूतर को सिरप दे दिया और मैंने इसको छोड़ भी दिया। दोस्तों ये सिरप आपको दाने से पहले देना होगा, ठीक है। जो भी आप उसको खिलाने लगें सुबह शाम देना है उसको दाने से पहले। बाकी जो मैंने कबूतर खोले हुए थे अभी मैं दाना दिया इनको, ठीक है। ये देखें वो अंदर चले गए, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो देखें दोस्तों, ये कबूतर अब सही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये इलाज इसी का होता है, इस बीमारी का, ठीक है। इस बीमारी का इलाज बताया आपको कि कबूतर जो दाना खाते हैं बाद में वो उगल देते हैं, ठीक है, जो निकाल देते हैं दाना पोटे से जो खाया होता है उसने। तो दोस्तों आज की इतनी वीडियो थी, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। और अब मिलेंगे आपको कल, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।